फ्रेंड्स, मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गार्लिक बटर नान। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पे आप कैसे इजीली गार्लिक बटर नान बना सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी होता है बट लोगों को लगता है काफी टफ। तो आज मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से हम गार्लिक नान बटर नान बना सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ले लिया है 2 कप मैदा और इसको मैंने छन्नी से छान लिया है। उसके बाद मैंने लिया है हरा धनिया और ये भी मैंने बारीक से चॉप कर लिया है। उसके बाद मैंने लिया है गार्लिक, जो कि है लहसुन, इसको मैंने बारीक, इसको मैंने कद्दूकस करके रख लिया है। और साथ में मैंने लिया है बटर, जो कि हमें बटर ऊपर से रोटी पर लगाने के लिए हमें चाहिए होगा। तो मैंने एक कटोरी लिया है दही, जो कि हम इसमें आटे में मिक्स करेंगे। और उसके बाद हमें एक चाहिए बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, और चाहिए हमें थोड़ा सा ऑयल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो को एंड तक देखना, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो बनाएंगे इसके लिए। नॉर्मल जैसे हम रोटी के लिए डो बनाते हैं, उसी तरीके से हम इसका डो बनाएंगे। बस थोड़ी चीजें हमें इसमें मिक्स करनी है। तो नान बनाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने 2 कप मैदा लिया है। अब इसमें हम मिक्स कर देंगे दही। तो दही भी हम थोड़ा सा बचा के रखेंगे, इसमें आधा कटोरी हम पहले डालेंगे। उसके बाद मैं डालूंगी जो कटा हुआ गार्लिक था, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। आधा मैं ऊपर से रोटियों पर लगाने के लिए छोड़ दूंगी। तो ये इससे क्या होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारी रोटियों में। हम ऐड करेंगे इसमें 1 चम्मच चीनी, साथ में हम ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक, ऐड करेंगे इसमें बेकिंग सोडा आधा चम्मच, और 1 चम्मच हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, और 2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। के बाद हम इसको गुनगुने पानी से बना देंगे इसका आटा। तो सबसे पहले हम इनको मिक्स करेंगे, अच्छे से सारी चीजें मिक्स हो जानी चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ऐड करेंगे, बिल्कुल गुनगुना पानी हमें इसमें यूज करना है। इस तरीके से बहुत ही इजी होता है नान बनाना। यकीन मानिए, आप इसको देख इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर घर में ट्राई करेंगे और बहुत ही इजी से आपके नान बनके तैयार हो जाएंगे। उसका डो जो है चिपके ना, इसके लिए हमें ऑयल डालना पड़ेगा। थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे ताकि जो हमारा डो है वो बिल्कुल चिपके ना। तो थोड़ा सा ऑयल हम दोबारा ले लेंगे और इस पे हो गया हमारा डो रेडी। और अब हम इसको ढक्कन लगा के रख देंगे आधा एक घंटा। आप जितना मर्जी इसको रख सकते हैं ढक्कन लगा के, और उसके बाद हम रोटियां बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं। बटर गार्लिक नान बनाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं अब बनाना। तो सबसे पहले मैंने ये निकाल दिया है, अब इसको थोड़ा सा मैं सेट, हम आटे को थोड़ा सा तो इस तरीके से आटे को हम सेट कर लेंगे। तो हमने ले लिया है 1 कुई ले लिए है, और इसको हम सेट कर देंगे, और इसमें हल्का सा आटा लगाएंगे। तो इसको हम आराम से बेलेंगे। आप चाहे तो इसको राउंड में भी बना सकते हैं, वैसे इसको ओवल में बनाएं तो ज्यादा बेटर रहता है। तो इस शेप में हम इसको राउंड नहीं बना रहे हैं, तो इस शेप में बनाएंगे हम इसको। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा धनिया, धनिया सेट कर लेंगे, और हम डालेंगे इसके ऊपर गार्लिक। तो इस तरीके से हम इसमें गार्लिक सेट कर लेंगे, और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम थोड़ा सा हल्का सा बेलन चला देंगे इस तरीके से, ताकि इस पे अच्छे से चिपक जाए। तो इस तरीके से ये चिपक जाएगा, बिल्कुल अच्छे से हमें इसको सेट कर देना है। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं इस तरीके से।
तो इसका जो दूसरा साइड है इस पे हमें हाथ से पानी इस पे अच्छे से लगा देना है ताकि जो तवे पे ये अच्छे से चिपक जाए और गिरे ना। तो तवे पे अच्छे से इसके जो निचले सरफेस पे हमें पानी अच्छे से लगा देना है, बिल्कुल अच्छे से पानी लगा देना है ताकि ये अच्छे से उस पे सेट हो जाए। देख सकते हैं हमारा तवा बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस पे ये डाल देना है। तो थोड़ी देर हमें इसको पकने देना है। तो आप देख सकते हैं इस पे बिल्कुल ये फूलने लग गया है। तो इस तरीके से अगर ये फूलने लग जाए तो उसके बाद हमें इस स्टेज में सेकना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमें सेकना है, पूरी अच्छे तरीके से सेक देंगे इसको, चारों तरफ से सेकेंगे। तो सेकना है और चेक करते रहना है। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छे से सिक जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से हम अपने घर में ही नान बना सकते हैं। तो इसको हमें चारों तरफ देखते हुए घुमाते हुए करना है। तो आप देख सकते हैं अभी जैसे इधर के साइड थोड़ा सा और घुमा देती हूँ मैं। तो इसको हाथों से थोड़ा सा मूवमेंट करते हुए ही करना है हमें, अदरवाइज ये एक ही जगह पर जल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बढ़िया नान हमारा जो है बन के रेडी है। हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है सर, हम इस पे बटर लगा देंगे अच्छे से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छा गार्लिक बटर नान हमारा बन के रेडी है। तो इस तरीके से मैं सारे बना दूंगी, एक दो आपको बना के और मैं दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से हमें इसको लोई बना देनी है और उसके बाद हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। इसके ऊपर हम डाल देंगे धनिया जो कि हमने काट के रखा हुआ है। धनिया हम थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड कर देंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की मेरी रेसिपी तो जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये था आज का बटर गार्लिक नान रेसिपी। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर बन के रेडी है, बिल्कुल सॉफ्ट एकदम। ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल बाजार जैसा।